तो जो फायदा कपालभाति से होता है वही फायदा मयूरासन से होता है। मयूरासन करने में कठिन होता है, बल्कि उसमें हानि भी हो सकती है थोड़ा गलत हो जाए तो। कपालभाति में कोई हानि नहीं, बस कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, अल्सर है तो धीरे धीरे करना। ये तो सब कर सकते, तो कपालभाति सब करें। एक मैं बता रहा था मयूरासन भी होता है। अब मयूरासन का फायदा जब कपालभाति से हो जाता है तो फिर मयूरासन क्यों करना, क्योंकि पहली बात 2-3 महीने लग जाएंगे और यहां तो 2 दिन में फायदा पाना है, लाभ उठाना है। कपालभाति से 2-3 दिन में तो फायदा भी हो जाएगा, मयूरासन करने में तो 2-3 महीने तो प्रैक्टिस में लग जाएंगे। देखो मयूरासन कैसे होता है, आप कपालभाति करते रहिए, क्योंकि मयूरासन का फायदा कपालभाति से हो जाता है। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रखते हैं, कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगाते हैं, श्वास अंदर भर करके बॉडी को दोनों तरफ से उठाते हैं बैलेंस करते हुए। कैसे? ये मयूरासन था। अब मयूरासन में चेहरा लाल हो जाता है, मयूरासन में पेट का व्यायाम भी पूरा हो जाता है, लेकिन वही व्यायाम कपालभाति से हो रहा है, इसमें हानि कुछ नहीं। अब पता लगा कि मयूरासन मयूरी आसन कर रहे थे और आगे गिरे और दांत ही टूट गए। अब पद्मासन में बैठ जाना, दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर के ऊपर। अब कपालभाति करते रहो। पद्मासन सबके लिए जरूरी नहीं है। अब पद्मासन में बैठ करके मयूरासन को करना, उसका नाम हो जाता है मयूरी आसन। वो ऐसे होता है, अब देखो ये मयूरी आसन, आप अपना कपालभाति करो ना, इसे पूरा फायदा। ये कठिन आसन करने की जरूरत कपालभाति करने से हेपेटाइटिस क्योर हो जाता है, थायराइड क्योर हो जाता है, पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो जाती है। मयूर आसन करने से किसी का कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है, तो फायदा जब कपालभाति में ज्यादा है तो कठिन आसन क्यों करना। चलो कपालभाति करते करते थक गए थे, एक बार अनुलोम विलोम कर लो। बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, शून्य मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा में, वर्ण मुद्रा में, शक्ति मुद्रा में, अपान मुद्रा में, किसी भी एक मुद्रा विशेष में बाएं हाथ रखा हुआ, बाएं से श्वास को लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से श्वास को लिया, बाएं से छोड़ दिया। अब ये अनुलोम विलोम करो इसको, इससे बीपी क्योर होगा, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, माइग्रेन पेन क्योर होगा, इससे पैरालिसिस की प्रॉब्लम मिटेगी, इससे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम मिटेगी, इससे पार्किंसंस कंपात ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम इससे डिसिप्लिन में आ जाता है, ऑर्डर में आ जाता है,
फिर डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर नहीं होते। ये डिफरेंट प्रकार के डिसऑर्डर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, वो कहीं ना कहीं भीतर से असंतुलित हो जाता है। भीतर का अनुशासन कहीं टूट जाता है, भीतर का अनडिसिप्लिन, भीतर का इम्बैलेंस, भीतर का असंतुलन, भीतर की अनियमितता, अनियंत्रण, वही तो रोग कहलाता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंसेस को, एंडोक्राइन सिस्टम के इम्बैलेंसेस को, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्बैलेंसेस को, सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्बैलेंसेस को ठीक कर देता है। और हमारे शरीर के भीतर जो इम्बैलेंस है वही तो रोग है। एवरी इम्बैलेंस इन आवर सिस्टम इज अ डिजीज, वेयर इज ए बैलेंस सिस्टम गिव्स अस गुड हेल्थ। असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा संतुलन कर देता है। कपालभाति प्राणायाम मुख्यतः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय अर्थात रिप्रोडक्टिव एक्सक्रेटेड डाइजेस्ट और स्केलेटल सिस्टम को हेल्दी बनाता है। वहीं अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्यतः सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्दी बना देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना प्रभावशाली है। रिलैक्स, रुक जाओ। अब देखो, जो अनुलोम विलोम से फायदा होता है ना, वही फायदा शीर्षासन से होता है। बल्कि शीर्षासन के कम फायदे हैं। यो आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, लेकिन शीर्षासन में हानियां भी तो हैं। अब हार्ट का रोगी, ब्लड प्रेशर का रोगी शीर्षासन नहीं कर सकता। अनुलोम विलोम करेगा तो उसका बीपी क्योर हो जाएगा, उसके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब हृदय के रोगी को हम नहीं करा सकते शीर्षासन। ABP News आपको रखे आगे।